हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू स्टिच। आज हम सीखेंगे बेबी फ्रॉक फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी। 9 इंच लेंथ एंड 30 इंचेस की विड्थ का मैंने एक फैब्रिक लिया है और अब हम इसे 4 फोल्ड पे करेंगे। जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ हो जाएंगी 7.5 इंच एंड उसकी लेंथ 9 इंचेस। शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए है 4.5 इंच और यहाँ से आर्म होल भी मैं 4.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। चेस्ट हम लेंगे 6.5 इंचेस एंड वेस्ट हम लेंगे 6 इंचेस। 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे और स्केल की मदद से हम इसे लाइन बना देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 इंच एंड बैक आर्म होल के लिए मैंने लिया है 1 इंच। और अब हम इसे कुछ इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे। अब मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ 2 इंचेस एंड उसकी लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस। बैक नेक की लेंथ हमारी रहेंगी 1.5 इंचेस और अब हम नेक का शेप दे देंगे इसे, फ्रंट नेक एंड बैक नेक। यहाँ पे हमारा बेबी ब्लॉक बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट एंड बैक अलग अलग कर लिया है और अब हम फ्रंट के आर्म होल एंड नेक कट करेंगे। इजीली आइडेंटिफाई हो इसलिए हमने फ्रंट के लिए F और बैक के लिए B लिखा है। अब हम फोल्डेड साइड से नीचे 3 इंच मार्क करेंगे और एक स्लिट के लिए कट लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब हम बनाएंगे फ्रॉक का घेर, जिसके लिए हमने 2 पीसेस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ है 11 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 28 इंचेस। बाकी बचे हुए फैब्रिक में से आपको क्रॉस स्ट्रिप कट करनी है, जो कि हम नेक एंड आर्म होल के लिए लगाएंगे। 1 1 इंच की आपको कुछ क्रॉस स्ट्रिप कट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने स्केल की विड्थ के हिसाब से क्रॉस स्ट्रिप कट की है। मैं स्टिचिंग से रिलेटेड इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर हमारी कटिंग कम्प्लीट होती है। अब हम देखेंगे बेबी फ्रॉक स्टिचिंग। 3.5 इंच लेंथ एंड 2.5 इंच विड्थ का हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, जिसको हम फोल्ड करेंगे। तीनों साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और ये जो पीस है हमारा, ये स्लिट के ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे। अब हम लेंगे बैक का पीस जिस पे हमने स्लिट लगाई थी और ये पीस उसके ऊपर फ्रंट टू फ्रंट रख कर इसे वी शेप में स्टिच कर लेंगे।
स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हमें इसे बीच से कट कर लेना है और कुछ इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। स्लिट ओपनिंग हमने कर ली है, अब हम दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे फ्रंट टू फ्रंट रखकर। शोल्डर हमारे जॉइन हो चुके हैं, अब हम ये क्रॉस टिप जो हमने कट की थी उसको जॉइन करेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे क्रॉस स्ट्रिप को जॉइन कर लेना है। क्रॉस स्ट्रिप जॉइंट हो चुके हैं, अब हम नेक पे इस क्रॉस स्ट्रिप को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे इस पर प्लेस करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। मेरे चैनल पर बेबी झबले की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप में मैंने न्यूबॉर्न बेबी कैप की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में मेंशन कर दिया है। सो वहाँ से जाकर आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों नेक के ऊपर हमने क्रॉस टिप को अटैच कर लिया है। बिल्कुल इसी मेथड का यूज़ करके इसी तरीके से आपको दोनों भी आर्म होल पे क्रॉस टिप को अटैच कर लेना है। दोनों आर्म होल एंड नेक पे मैंने क्रॉस टिप को अटैच कर लिया है और हमारा ऊपर का बेबी ब्लॉक बनके रेडी हो चुका है। अब जो हमने फ्रॉक का घेर बनाने के लिए फैब्रिक लिया था 11x28 इंचेस का, उसको हम नीचे से बॉटम में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर इजी सुइंग ट्यूटोरियल्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रॉक के बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है, अब हम इसके दूसरे साइड में प्लीट्स बनाएंगे और प्लीट्स बनाने के लिए हमने फोक का यूज़ किया है, सो दैट हमारे जो प्लीट्स आएंगे वो इवन आएंगे, बिल्कुल एक जैसी लेंथ के। आप चाहे तो इसे हाथ से भी प्लीट्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फोक का यूज़ किया है।
ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सो मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी तरीके से हमें दूसरे पीस को भी बिल्कुल प्लीट्स ले लेना है। प्लीट्स हमें कुछ इस तरीके से लेना है कि प्लीट्स लेने के बाद में हमारी जो विड्थ आएगी वो 14 आना चाहिए, तभी वो हमारे वेस्ट के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से अटैच होगा। फ्रंट एंड बैक दोनों बॉडीज़ पे हमने घेर ज्वाइन कर लिया है। अब हम 1 इंच पे मार्किंग लगाकर इस फ्रॉक की फिटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमने ये फिटिंग कर लेनी है। बेबी फ्रॉक इज रेडी, इट्स लुकिंग टू क्यूट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ये फ्रॉक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग समझ में आई है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फर्गेट टू चेक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। Bye-bye.